हाथ लगाए गए और कहानियां घड़ी गईं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। और उस वक्त से एक ऐसी कोई मूवमेंट या ऐसा कोई केओस क्रिएट करने की कोशिश की गई पंजाब में, स्टूडेंट्स को प्रवोक करके, स्टूडेंट्स को इंसाइट करके, स्टूडेंट्स को गुमराह करके एक ऐसा कोई कैंपेन चलाने की कोशिश की गई जो बिल्कुल झूठ और लख पर मबनी थी। तो मुझे अब इस नतीजे पे मैं पहुंची हूँ कि बार बार ये जो प्रोटेस्ट की कॉल्स दी जाती हैं, जलसों की कॉल्स दी जाती हैं, घेराओ जलाओ इंतशार की कॉल्स दी जाती हैं, उनकी नाकामी के बाद अब एक बहुत ही घटिया और बहुत ही ख़तरनाक तरीन मंसूबा इन्होंने बनाया। और उन्होंने ये उस वक्त में, ऐसे वक्त में जिसमें SCO होने जा रही है, ऐसे वक्त में जब आप गैर मुल्की सरबराहान आपके मुल्क में, बहुत साल के बाद आपने वो मनाजिर देखें कि एक मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में जो गैर मुल्की सरबराहान है वो आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, एक अच्छा इमेज पाकिस्तान का दुनिया में जा रहा है, इकॉनमी बहुत बेहतरी के साइंस शो कर रही है, महंगाई कम हो रही है, जो स्टॉक मार्केट है उसने रिकॉर्ड तोड़े, 85,000-86,000 पे स्टॉक मार्केट चली गई पाकिस्तान के 77 इयर्स में, ये मिसाल नहीं मिलती। तो ये एक ऐसी पार्टी है तरीके इंसाफ, जिसको मैं दहशतगर्द जमात कहती हूँ, और वो उनका एजेंडा ही यही है, जब पाकिस्तान ऊपर जा रहा होता है वो नीचे जा रहे होते हैं। तो बात यह है कि उन्होंने एक ऐसी कहानी घड़ी और एक साजिश घड़ी जिसके हम बिल्कुल बॉटम तक हम गए हैं, हमने उसके माइन्यूटेस्ट डिटेल्स निकाले, बच्चों को इस्तेमाल किया है, अपने जो उनके प्रो एंकर्स हैं उनको एंकर्स नहीं कहना चाहिए, जर्नलिस्ट नहीं कहना चाहिए, उनके पेड लोग हैं, उनके टाउट्स हैं, उनसे उन्होंने ट्वीट्स कराई, उनसे उन्होंने वीलॉग्स कराए, उनसे उन्होंने वीडियोज बनवाई। और मैं एक बच्ची की आपको मिसाल देना चाहती हूँ। पंजाब कॉलेजेस एक ऐसा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, स्कूल्स हैं जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं आपने कुछ जाने बगैर। और इसके लिए मैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर को भी मैंने कहा कि आपको वो मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी, उनको सस्पेंड नहीं करनी चाहिए थी, कोई एक्शन, जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो एक्शन नहीं लेना चाहिए था। वो किसी इज्जतदार आदमी का है, वो एक चैनल के ओनर भी हैं, लेकिन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पूरे को इस तरह टार्निश किया गया, चाहे वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हो या वो कोई भी हो, ये आपके सामने